राहुल द्रविड़ से भी खतरनाक है इसकी बल्लेबाजी। बेहद गरीब परिवार से आया है भारत का ये बेटा, जिस पर नजर गड़ाए हुए हैं बड़े से बड़े बल्लेबाज। एक नहीं बल्कि लगातार जड़ दिए दो दो शतक। रोहित शर्मा भी हुए मुरीद, विराट कोहली बजाने लगे ताली, फिर भी आईसीसी ने कर दिया बहुत बड़ा गेम, फैंस में भारी गुस्सा। क्या इस खिलाड़ी का भविष्य खराब कर रहा है आईसीसी? इस खिलाड़ी के साथ यही होता है हर बार। अब बीसीसीआई लगाएगा इस खिलाड़ी के लिए इंसाफ की गुहार। इंग्लैंड को घुटने पर लाकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ, किसके दम पर हुआ, ये सब ने जाना जिसने टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल कर बाहर किया, जिसने एक ही मैच में तबाही मचाकर बल्लेबाजी की, जिसने एक ही मैच में हर गेंदबाज को कूटा, जो टेस्ट मैच को T20 की तरह से खेल रहा था उसी खिलाड़ी को उसका हक नहीं मिला, जिससे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में बेहद गुस्सा है। एक गरीब परिवार से आया हुआ भारत का एक बेटा जिस तरीके का प्रदर्शन क्रिकेट के मैदान पर कर रहा है, उससे हर क्रिकेट प्रेमी का दिल खुशी से झूम रहा है। लेकिन जब इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी होगी तो हर कोई गुस्से में होगा। ऐसा ही भारत के एक युवा खिलाड़ी के साथ हुआ, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट प्रेमी भी इस युवा खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या आईसीसी इस युवा खिलाड़ी से किसी चीज का बदला ले रहा है, क्यों इस खिलाड़ी को उसका हक नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कौन है वो खिलाड़ी, किसको उसका हक नहीं मिला, जिसने ऐसा कमाल किया जो एक मिसाल बन गया और इस खिलाड़ी को उसका हक नहीं दिया। बता दें कि वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला गया था, जिसे मेहमान टीम ने अपने नाम किया था। भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे मुकाबले को 106 रन से अपने नाम कर बराबरी हासिल की। इस मैच में पहली पारी में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जमाया। इस धमाकेदार पारी की बदौलत ही भारत जीत की नींव रख पाया। विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। कप्तान समेत पूरा बल्लेबाजी क्रम रन बनाने में नाकाम रहा। अकेले दम पर यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में दोहरा शतक जमाकर स्कोर 396 रन तक पहुंचाया। 290 गेंद पर 19 चौके और 7 छक्के की मदद से उन्होंने 209 रन बनाए। 5 मैच पहले टेस्ट डेब्यू करने वाले इस युवा का ये पहला दोहरा शतक है। भारत की तरफ से पहली पारी में किसी बल्लेबाज ने 35 रन भी नहीं बनाए और इस युवा ने डबल सेंचुरी जमा दी। टीम इंडिया के खिलाफ पहली पारी में अकेले एक छोर को थाम कर रखते हुए दोहरा शतक जमाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच नहीं चुने गए। पहली पारी में 396 रन बनाने के बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 143 रन की बढ़त हासिल की थी। इसमें जसप्रीत बुमराह के 6 विकेट का बड़ा योगदान था। इसके बाद दूसरी पारी में भारत द्वारा दिए गए 399 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर बुमराह ने मैच को फिर से पलट दिया। मैच में 9 विकेट लेने वाले इस अनुभवी गेंदबाज को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बुमराह ने ऐसे वक्त पर भारत के लिए विकेट निकाला जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैच को टीम इंडिया की तरफ मोड़ने के लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया।